डभोई नगर में आज विविध सरकारी विभाग और कॉलेज की डभोई के भारतीय रेलवे अधिकारियों की टीम द्वारा मुलाकात ली गई थी। डभोई नगर में आज इंडियन रेलवे ऑफिसर की टीम द्वारा डभोई नगर में आए हुए कॉमर्स कॉलेज, पुलिस स्टेशन, आरोग्य केंद्र तथा दयाराम स्कूल सहित अलग अलग विभागों की मुलाकात लेते हुए आज अधिकारी की टीम ने आगमन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया था। डभोई इंडियन रेलवे ऑफिसर ट्रेनिंग के भागरूप आज डभोई नगर में छह जितने ICRPS तथा IRSS अधिकारियों की टीम ने डभोई नगर की मुलाकात लेते हुए आगमन किया था। जल सुबह से ही सर्वप्रथम कॉमर्स कॉलेज तथा शिक्षण और उसके बाद पुलिस स्टेशन की कामगिरी के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए माहितीगार हुए थे, जिसके बाद डभोई रेफरल अस्पताल की मुलाकात लेते हुए अस्पताल की कामगिरी किस प्रकार से की जाती है उस बारे में माहितीगार हुए थे, जिसके बाद दयाराम स्कूल सहित पुलिस स्टेशन आरोग्य केंद्र की मुलाकात लेते हुए विविध कामगिरी से प्रभावित हुए थे। इस मौके पर डभोई तालुका के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुड़िया रानी, पीएचसी तबीब डॉक्टर अजय सिंह के साथ चर्चा विचारणा करने के बाद अधिकारी की टीम द्वारा अप्रिन शर्मा के साथ सरकारी अस्पताल के स्टाफ के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त की गई, जहां डॉक्टर अजय सिंह ने उनकी अच्छी कामगिरी करने के बदल शुभकामना अदा की गई थी। इस मौके पर डभोई के नायब मामलतदार आर राठवा, कस्बा तलाटी प्रवीण जोशी सहित कई महानुभव उपस्थित रहे थे। हम लोग डभोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की विजिट पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को विजिट किया। यहाँ पे जो भी सेवाएं उपलब्ध है उसका ब्यौरा लिया, जानकारी ली, कैसे यहाँ पे स्टाफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में समझा, दवाइयों की उपलब्धता है कि नहीं है वो भी जाना, और साथ में एम्बुलेंस की व्यवस्था, शौचालय यहाँ पे साफ है कि नहीं है वो देखा, और किचन की उपलब्धता क्या है, मरीजों को जो सेवाएँ हैं और खाना अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी देखा हमने, और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी रिपोर्ट में डालें और ऊपर तक पहुँचाएं ताकि वो ठीक हो सके। यहाँ के जो डॉक्टर हो उन पे क्या हुआ विजिट की तो? नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमको बताया कि यहाँ पे क्या क्या सेवाएं मिल रही हैं, एक्सरे मशीन्स हैं प्रॉपर, पोस्टमार्टम की व्यवस्था है यहाँ पर, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है और 108 की उपलब्धता भी यहाँ पर कराई जा रही है। उसके साथ साथ हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे ऑर्थोपेडिशियन का बताया था जो कि अवेलेबल नहीं है अभी, तो कोशिश की जाएगी कि उनको उपलब्ध कराया जा सके। मुलाकात की थी और उनका भी जो फीडबैक था वो भी काफ़ी अच्छा था। हमने 2 या 3 मरीजों से मुलाकात की और जाना कि उनको किस तरीके की सेवाएँ मिली यहाँ पर, और एक मरीज थी उनका कल ही डिलीवरी हुआ है तो उनको किसी और हॉस्पिटल में रेफर किया था, वहाँ पे उनको संतुष्ट नहीं थी, वो यहाँ पे आके काफ़ी संतुष्ट महसूस किया।